हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं खजूरी। देखो दोस्तों, ये सफ़ेद सफ़ेद जो पत्थर है ना, दिख रहे होंगे आपको, ये रास्ता है। इससे क्या जंगल में पता पड़ता है कि ये रास्ता सही है। ये सफ़ेद सफ़ेद मुर्दी आ रही है, पत्थर वाइट कलर के पुते हुए हैं। इससे क्या कोई अनजान आदमी आए तो वो घूमेंगे, सीधा पहुँच जाए अपने स्थान पर। और दोस्तों अभी रास्ता भटक गए थे हम, बहुत दूर आगे चले गए। एक बाबा मिल गया था बेचारा, जिससे पूछी थी हमने खजूरी का रास्ता, लेकिन वो बोला इधर तो देवपुर आने वाला, अब हम दूर बहुत आ गए, वापस जा रहे हैं। थोड़ा खजूरी बहुत पीछे रह गए, हम बहुत आगे आ गए, हम वापसी के लिए जा। हम घूम गए बाबा, हम बहुत आगे पहुँच गए बाबा, कहीं जाना हो तो हमें खजूरी जाना, वो नीचे है बाबा है? तुम अन्य पता पतो ऐसा काम ही नहीं पुजा रही हूँ। अच्छा तो बताओ, नहीं हम नीचे जानो तो बताऊंगा। हाँ बताओ भाई, मैंने वो मोरान ना जाना। कौन से बताया? हाँ बाबा हम घूम गए बाबा, और दोस्तों बाबा के साथ हम पैदल पैदल जाते हुए सिद्धो आने। ये कई भैया पुजारी कोई के दाद होए, खाज होए, अच्छा सुरम रोग होए, हाँ या मैं नहाने से अच्छा उद्धार होगो, गंगा मैया नहीं जाना ही आओ, भूत जिंद बिचपिटो मनेवा में। दूसरी बात, किसी के सफेद दाग है गए वहाँ शरीर के अंदर, लग के 12 महीने स्नान कर और जात कर, सिद्ध हुआ कि साफ है। और बाबा बेचारा हमको अपनी भैंसों को छोड़ के सिद्ध बाबा तक ले आया। जय हो सिद्ध बाबा के। हरिओम बाबा, हरिओम। देखो दोस्तों ये बनाइए, बाबा बोल रहे थे गौमुखी, ये तो पानी आ रहा है इसका, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। भोलेनाथ की पंजी दी अंदर दे दिए, क्लियर दिख रहा, एक शिवलिंग रखा हुआ अंदर। बाबा पीछे कहाँ से आ रहा है पानी? कोई पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है दोस्तों, कोई पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है। मेरे भाइयों ये गौमुखी से पानी निकल रहा है, सीधा पानी नीचे तक जंगल में जा रहा है। ये बाबा काय का चौंत रहा है, मोर चुके हैं, ये मोर चुकती है, मोर चुगने के लिए स्थान है ये बाबा ने बना रखा है यहाँ पे। कितना घनघोर जंगल है भाई, बहुत ही ज़्यादा घनघोर। देखो दोस्तों पत्थर ही पत्थरों का कुआं है पूरा, इसमें कोई भी पक्का सीमेंट वीमेंट कुछ नहीं है, पूरा नीचे तक पत्थर ही पत्थरों का कुआं है। इसमें से पानी आता है ऑटोमेटिक, और इसी पानी से हम नहाए अभी, ये जा रहा है इधर तक बस। और ये केले ही केले लगे हुए हैं हमारे खजूरी के अंदर, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है दोस्तों,